देश लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राहुल जी को कोई सीरियस लेता नहीं है, और ये देखने जरूर आते हैं क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं तो लोग देखना आते हैं। देखने का कौतूहल है लोगों में, पर देश की बागडोर उनके हाथ में सौंप दे, मैंने सोचता कि देश उनको इतना गंभीर समझता। भाई साहब, किस जिस तरह महाकाल कॉरिडोर अभी बना है जो देश के लिए गौरव की बात है, पूरे क्या ओंकार कॉरिडोर भी हमें देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से उसकी योजना बन रही है, भारत सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ओंकारेश्वर कॉरिडोर भी बनेगा, और यही नहीं देश के सभी धार्मिक स्थल जो कि हमारे आस्था के केंद्र हैं सबका विकास मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आप देख ही रहे अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, राम मंदिर बन ही रहा है, इसलिए जितने भी आस्था के केंद्र हैं हमारे सबका। बड़वा नगर में राकेश गुप्ता जी के रूप में नगर आते हैं जिनमें आपको लोग देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राकेश जी एक अच्छा संजीदा कार्यकर्ता है और जिस तरीके से अभी उन्होंने काम की शुरुआत की है, मुझे लगता है कि आने वाले उनके 5 वर्ष बाद जब हम चर्चा करेंगे तो बड़वा का स्वरूप बदला हुआ दिखेगा और एक प्रगतिशील बड़वा दिखाई देगा, ऐसा मुझे। वैसा बड़वा से हमेशा से आपका जुड़ाव रहा है, आध्यात्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, बड़वा के विकास में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका क्या है, तो राकेश जी करेंगे, जहाँ उनको तकलीफ आएगी वहाँ मैं खड़ा हूँ। देश लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राहुल जी को कोई सीरियस लेता नहीं है, और ये देखने जरूर आते हैं क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं तो लोग देखना आते हैं। देखने का कौतूहल है लोगों में, पर देश की बागडोर उनके हाथ में सौंप दे, मैंने सोचता कि देश उनको इतना गंभीर समझता है। भाई साहब, जिस तरह महाकाल कॉरिडोर अभी बना है जो देश के लिए गौरव की बात है, पूरे क्या ओंकार कॉरिडोर भी हमें देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से उसकी योजना बन रही है, भारत सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ओंकारेश्वर कॉरिडोर भी बनेगा, और यही नहीं देश के सभी धार्मिक स्थल जो कि हमारे आस्था के केंद्र हैं सबका विकास मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आप देख ही रहे हैं अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, राम मंदिर बन ही रहा है, इसलिए जितने भी आस्था के केंद्र हमारे सबका। बड़वा नगर में राकेश गुप्ता जी के रूप में नगर आते हैं जिनमें आपको लोग देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राकेश जी एक अच्छा संजीदा कार्यकर्ता है और जिस तरीके से अभी उन्होंने काम की शुरुआत की है, मुझे लगता है कि आने वाले उनके 5 वर्ष बाद जब हम चर्चा करेंगे तो बड़वा का स्वरूप बदला हुआ दिखेगा और एक प्रगतिशील बड़वा दिखाई देगा, ऐसा मुझे। वैसा बड़वा से हमेशा से आपका जुड़ाव रहा है, आध्यात्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, बड़वा के विकास में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका क्या है, तो राकेश जी करेंगे, जहाँ उनको तकलीफ आएगी वहाँ मैं खड़ा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।